प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यमुनानगर में अनेकों परिवारों को मकान बनाकर दिए गए हैं। अब हरियाणा सरकार की एक योजना के तहत इन परिवारों के लिए 90% की सब्सिडी पर सोलर पैनल लाइटें दी जा रही हैं। यमुनानगर की अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि यमुनानगर के ऐसे 33 परिवार को यह सोलर पैनल लाइटें दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की योजना के तहत पीएम आवास योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को मकान बनाकर दिए जाते हैं। अब उनमें एसई फैमिली को सोलर लाइट व पैनल दिए जा रहे हैं। अमर ज्योति नाम से स्कीम है हरियाणा सरकार की, जिसके तहत हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन बीपीएल फैमिलीज को घर बना के दिए जाते हैं, उनमें जो एसई फैमिलीज है उनको 22,000 ये लाइट है, 22,000 में से 90% जो है सब्सिडी है। तो आज हमने 7 फैमिलीज को ये लाइट्स जो है प्रोवाइड करवाई। 33 का टारगेट था, 33 हमने टारगेट को अचीव कर लिया है। और जो टारगेट अचीव करा है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जिला परिषद की तरफ से हमारे पास रिकमेंडेशन आई थी। इतनी फैमिलीज को हमने आइडेंटिफाई करके उन्होंने भेजा था हमें। एक पैनल है 150 वाट का, एक बैटरी है, एक फैन है और 3 LED लाइट्स है जो सोलर से चार्ज होगी दिन में और फिर वो कभी भी उसका यूज कर सकते हैं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।